अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 9.2A और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9.3, जो कि बेसिकली पिछले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये उस टाइप का सवाल है जो हमने पिछले चैप्टर्स में किया था, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह बनाई थी। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही करना है, हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो कि बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मर्ज होता है। आप इसको इसमें दोनों बनाते हैं तो मैं एक जो पैटर्न आपको फॉलो करवाता हूँ उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाता है, उसमें नेट प्रॉफिट भी आ जाता है। और हम उसके साथ हमारे को इसमें बैलेंस शीट बनानी है, वो भी हम बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला सवाल, क्योंकि आप डेटा सामने देख सकते हैं कितना ज़्यादा गिवन है, तो इसमें कैलकुलेशंस वगैरह होंगी, तो होपफुली हमारा आंसर जो है पहली बारी में सही आ जाए। तो चलिए लेट्स ट्राई करते हैं और देखते हैं सवाल किस तरह सॉल्व होता है। तो सबसे पहले सवाल को रीड कर लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कुछ यूं है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जी स्टील ड्रॉ अप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2009 एंड अ बैलेंस शीट एज एट डेट डेट। तो वही इन्होंने बोला है हमें बनाने के लिए। इसमें हमारे को कोई ओपनिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं, बीच में सारे एसेट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये हमारा जो फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, वो सामने आपके रेडी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, हमने नीचे डेट डाल दी है, सेल्स, और इसमें मैंने जो थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके हर बिजनेस में होती हैं। सेल्स होती है, परचेज होती है, स्टॉक्स होते हैं, कैरेज इन्वर्स होता है। कैरेज इन्वर्स में वैसे आपको जो है 9.1 वीडियो में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको वीडियो चेक करनी है तो ऊपर आई बटन से जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने उसका थोड़ा सा जो है 9.2 में भी बताया था। कैरेज इन्वर्स इज़ बेसिकली वो अमाउंट होता है, वो चार्जेस होते हैं, शिपमेंट चार्जेस जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो कि आपके सप्लायर वगैरह जब आपको माल बेचते हैं तो वो जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से 500 कोई प्रोडक्ट लिया है तो वो जब वो 500 प्रोडक्ट छोड़ने आएगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपसे लेगा, तो वो चार्जेस जो होते हैं वो आपके कैरेज इनवर्ड्स में आते हैं। और दूसरा एक कैरेज आउटवर्ड्स होता है, जो कि इस सवाल में हमारे पास आ गया है। मैंने आपको बोला था कि वो आगे जब आएगा मैं फर्दर जब बताऊँगा कि कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है। कैरेज आउटवर्ड्स आपका बेसिकली एक्सपेंस होता है। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस इसलिए होता है क्योंकि वो आपके वो अमाउंट होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी को सेल आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल आउट किया तो जब वो प्रोडक्ट उसके पास डिलीवरी के लिए जाएगा तो उस वक्त जो वो मेरे से राइडर जो पेमेंट लेगा कि मैं डिलीवरी के इतने पैसे लूँगा, तो वो पेमेंट हमारी होती है कैरेज आउटवर्ड, और वो हमारे एक्सपेंस में इसलिए आती है क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि वो तो डिलीवरी चार्जेस हमारा कस्टमर पे करता है तो इसमें हमारे बिजनेस में क्यों आ रहा है। तो आप देखें, आप कस्टमर के हिसाब से नहीं देखें, हम जो हमारी जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है वो हमारे बिजनेस के हिसाब से बनती है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बिजनेस और हम बिल्कुल एक अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी ज़ाती ज़िंदगी और हमारा बिजनेस, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, बिल्कुल एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप हमारे बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो जब आप किसी कस्टमर से पैसे लेते हैं तो आप उसको डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके बताते हैं। तो जब आप डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके उससे पैसे ले रहे हैं तो वो पैसा जो डिलीवरी चार्जेस का है वो कहीं जाएगा भी तो सही ना। तो जब आप किसी राइडर से, या अगर आपका पर्सनल राइडर है, या आप कुरियर वालों से किसी से भी अगर आप अपने पार्सल्स भिजवाते हैं कहीं पे, तो उसके पैसे तो आप ही पे करते हैं। वो तो बाद में जब आपको कस्टमर्स पे करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस के साथ तो वो आप रख लेते हैं, या फिर आप उसमें से निकाल के अपने कुरियर वगैरह वालों को दे देते हैं। तो इसलिए हमारे बिजनेस में ये एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जब आप परचेज सेल में जब आप वो पैसे लिखते हैं कि वो, क्योंकि आपके उसमें जो कस्टमर्स के जो पैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को मैंने $600 का कोई सामान बेचा है तो मैं पूरे $600 डालता हूँ अपने रिकॉर्ड में, क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो वो हमारे को एक्सक्लूड भी करने होते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं, क्योंकि वो हमारे ज़ाती पैसे नहीं हैं, वो हमारे को आगे किसी को देने होते हैं। तो इसलिए जो है वो हमारे बिजनेस के लिहाज से एक्सपेंसेस में लिखा जाता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक तरीके का एक्सपेंस है, जैसे यूटिलिटी बिल, वेयर हाउस का रेंट वगैरह, ये सब एक्सपेंसेस में आता है। इसी तरह ये भी कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस में आता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स चाहिए होती है इनकम स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सेल्स ये ही गिवन सेल्स है 380,400। तो सेल्स की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 380,400।
उसके बाद हमारे को देखना है कि क्या इसमें कोई सेल्स रिटर्न हुई है, जिसको हम रिटर्न इन्वर्स भी बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसा माल था जो बेचने के बाद वापसी आया हो। तो रिटर्न इन्वर्स ये देखें, आपके पास रिटर्न इन्वर्स ये रहा 1540 का जो अमाउंट का जो सामान है वो वापसी आ गया था। तो डिडक्ट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आई है वो आई है 378,860 डॉलर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमें सेल्स को माइनस करना होता है ताकि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट निकल सके। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले चाहिए होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, यानी जिस महीने की आप या जिस साल की आप ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, उस टाइम पर जब आपने बिजनेस जो उस टाइम उस महीने की जब आपने स्टार्ट की थी, तो जब आपके पास कोई इन्वेंट्री होगी जो कि पहले की बच गई होगी। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, जिस महीने की अभी मैं बना रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि 30 सितंबर को अभी ये स्टॉक बाकी है। तो ये जो स्टॉक बाकी है 30 सितंबर को, वो अगली इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारी ओपनिंग स्टॉक बनेगी, क्योंकि ये फर्दर इन्वेंट्री तो हमारे अगले महीने इस्तेमाल होगी या अगले साल इस्तेमाल होगी, तो वो हमारे अगले साल के इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। तो इसी तरीके से ये वो ओपनिंग स्टॉक है, ये देखें स्टॉक 1st October 20X8 लिखा हुआ, यानी जब जिस टाइम की मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर रहा हूँ उस टाइम पे इन्वेंट्री इतनी उसके पास पड़ी हुई थी, यानी इसमें से भी कोई सामान उसने बेचा होगा, इसलिए इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को इसीलिए इंक्लूड करते हैं, वो भी पॉजिटिव, यानी इसको माइनस नहीं करेंगे हम, इसको ऐड कराएंगे। अब इसमें से फर्दर जब एंड में जो हमारी इन्वेंट्री बची थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा कि इन्वेंट्री कितनी थी और अब कितनी रह गई है। उसके बाद आपके पास परचेज हमने कितने की थी, परचेजेस ये लिखे हुए 1,88,480 ठीक। उसके बाद आपके पास क्लो आता है रिटर्न इन आउटवर्ड्स, जिसको हम परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, यानी कोई ऐसा सामान हमने खरीदा और हमने वापसी करा दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड्स आपके पास है 3,410। तो ये हमने इसी तरह लिख दी है। उसके बाद आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री जो कि मैंने अभी आपको बताया, महीने के या साल के एंड में जो स्टॉक हमारे पास रह जाता है जो नहीं बिका होता, तो वो हमारे अगले दफ़ा में इस्तेमाल होगा, तो वो इसलिए हम इस महीने के उससे प्राइस डिडक्ट कर लेते हैं ताकि वो प्रॉफिट में नहीं काउंट हो, क्योंकि उसके पैसे अभी भी हमारे लगे हुए हैं, हमारे पास नहीं आए, तो इसलिए हम इस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे 4,780। उसके बाद आपके पास है कैरेज इन्वर्ट्स, कैरेज इन्वर्ट्स का मैंने आपको बता दिया था, वो चार्जेस आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो आपके सप्लायर वगैरह से माल आते हुए लेते हैं, तो वो आपके कैरेज इन्वर्ट्स में आएगा। कैरेज इन्वर्ट्स हमारे पास ये गिवन है 3,700। तो कैरेज इन्वर्ट्स वगैरह ये सब को प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है वो आई है 1,85,540 डॉलर या पाउंड। तो इसी के साथ ऑटोमेटिक ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, जिसमें पहले से फॉर्मूला लगा हुआ था, जिसमें हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल सके, यानी ये वो प्रॉफिट है जो हमारा हमने जो सामान बेचा है उसको कितने का खरीदा था उसको माइनस करके निकाला है। बाकी फर्दर इसमें वेयर हाउस का खर्चा वगैरह कोई नहीं मिला हुआ है, वो एक्सपेंसेस अभी हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट तक निकाला है, तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो उसके लिए हमारे को एक्सपेंसेस चाहिए, तो अब हम चेक करते हैं हमारे को कौन कौन से एक्सपेंसेस इसमें गिवन है। तो सबसे पहला एक्सपेंस हमारा सैलरीज एंड वेजेस, जो आपके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उसकी सैलरीज वगैरह वो भी आपके एक्सपेंस होता है, वो आपको हर महीने उनको देनी होती है। तो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरीज एंड वेजेस, जिसकी वैल्यू है 61,400। अगली एक्सपेंस हमारे पास कौन सी गिवन है, वेयर हाउस का रेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जिस जगह पे बैठ के आप अपना बिजनेस चला रहे हैं वहाँ का भी तो कोई खर्चा जाता होगा, या अगर आपकी खुद की जगह है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रेंट पे है तो वो रेंट हर महीने जाता होगा। तो रेंट हमारा जा रहा है 3,700, तो मैं यहाँ पर रेंट लिख देता हूँ 3,700, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है क्योंकि वो आप हर महीने पे करते हैं। इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस आपके पास है 1356,
उसके बाद आपके पास है फर्दर मोटर एक्सपेंसेस, तो मोटर की एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंसेस, और मोटर एक्सपेंसेस कितना है? 1910 डॉलर, 1910। उसके बाद आपके पास है फर्दर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का कोई खर्चा होगा इनका, ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऑफिस एक्सपेंसेस की वैल्यू है आपके पास 412। काफ़ी सस्ता एक्सपेंस है इनका, ये 412 वैल्यू है। उसके बाद है लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस जो कि है 894, 894 की आपके पास है लाइटिंग एंड हीटिंग। उसके बाद हमारे पास कोई और एक्सपेंस गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस है हमारे, जनरल एक्सपेंस, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जनरल एक्सपेंस की? 245, 245 हमारी जनरल एक्सपेंस की वैल्यू। क्या और कोई एक्सपेंस हमारे पास गिवन है? मोटर व्हीकल्स, ये आपके एसेट्स में आ जाते हैं, प्रेमिसेस, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये भी आपके एसेट्स में आ जाते हैं, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, ड्राइंग्स, कैपिटल, तो आपके सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं सर। परचेजेस भी हो गया, सेल्स भी हो, ये सैलरीज एंड वेजेस हो गया, वेयर हाउस का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मोटर एक्सपेंस हो गया, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस हो गया, जनरल प्रेमिसेस जनरल एक्सपेंसेस हो गया। तो ये फर्द ये आपके सारे एक्सपेंस हो चुके हैं। आई डोंट नो वाई मैंने एक एक्स्ट्रा जगह छोड़ी हुई है इधर, आई गेस ये सारे एक्सपेंस आपके हो चुके हैं। तो टोटल एक्सपेंस जो आपका आया है वो आया है 69,917 डॉलर, जिसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से जब माइनस किया है तो फाइनल वैल्यू आई है 1,23,403 प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो आप अपने, अब पर्सनल प्रॉफिट है, अब आप इसका कुछ भी करें उससे बिजनेस को कोई गरज नहीं, क्योंकि बिजनेस ने अपने सारे खर्चे निकाल लिए हैं। उसके बाद ये बचा हुआ मुनाफा है जो आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो अब हमें इसकी बनानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो मैं शुरू से ही लिखता हुआ आ रहा हूँ, और ये बैलेंस शीट भी जी स्टील की फॉर्मेट रेडी है, बस हमें इसमें वैल्यूज डाल के बैलेंस शीट को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहला जैसे कि हमारा आता है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से गिवन है। करंट एसेट में सबसे पहले आपके पास आता है कैश, तो कैश एट बैंक दिया हुआ है 5106, तो सबसे पहले है हमारे पास कैश एट बैंक 5106, ठीक। उसके बाद हमारे पास है डेप्टर्स, डेप्टर्स की वैल्यू है 42,560, काफ़ी लंबा उधार चढ़ा हुआ है, 42,560, यह है डेप्टर्स। मैं एक बार वापस देख लूँ वैल्यू, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ वैल्यू आगे पीछे लिख दी है, नहीं बिल्कुल सही है। उसके बाद कोई करंट एसेट्स हमारे पास हैं तो वो कैश एट बैंक भी हो गया, डेप्टर्स भी हो गया, मोटर व्हीकल्स, प्रेमिसेस, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, सेल्स परचेज, स्टॉक, इन्वेंट्री आपकी है 44,780, स्टॉक 44780, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ करंट एसेट्स आ चुका है ऑटोमेटिक। उसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जो कि 12 महीने से ऊपर वाले होते हैं एसेट, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो प्रेमिसेस है, प्रेमिसेस की वैल्यू है 92,000, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रेमिसेस 92,000, ये बोल्ड क्यों हो गया है इसको। उसके बाद हमारे पास था मोटर व्हीकल, उसकी जो वैल्यू थी वो मैंने नहीं देखी थी, 13,400, 13,400। उसके बाद है फिक्स्चर्स एंड फिटिंग, जिसकी वैल्यू है फिक्स्चर्स एंड फिटिंग की 1900 डॉलर, यानी 1900
पाउंड या डॉलर। तो हमारी फाइनल वैल्यू जो आई है एसेट्स की वो आई है 1,99,746। तो अगर लाइबिलिटीज और कैपिटल की भी सेम वैल्यू आ गई तो हमारा पहली बारी में बिल्कुल सवाल सही हो जाएगा और हमारा बिजनेस भी बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो लाइबिलिटीज़ में आँख बंद करके मैं सबसे पहले क्रेडिटर्स लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने लोगों ने इतना उधार लिया हुआ हमसे तो हमने भी किसी ना किसी से लिया होगा। तो क्रेडिटर्स की ये देखें, ये वैल्यू 31,600। तो कोई और लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं, लोन पेबल, नोट्स पेबल वगैरह कोई दी हुई है, लाइबिलिटीज़ और नहीं दी हुई। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कैपिटल वाले पार्ट में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल वो जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो कैपिटल आपके पास गिवन होगा। ये रहा कैपिटल 68,843 था। उसमें फिर आपने माइनस करना है ड्राइंग को, तो ड्राइंग को 22,000 है, तो ड्राइंग को माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ माइनस ड्राइंग 22,000। उसके बाद आप ऐड कराते हैं इसमें नेट प्रॉफिट को, और तो बाकी आपका कुछ भी नहीं बचा है, बस आप इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करा के अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 1,23,403। अब मैं इसको जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ है। लाइबिलिटीज में ऐड करना है इनिशियल कैपिटल को, ऐड करना है नेट प्रॉफिट को, माइनस करना है इसको। तो ये देखें पहली बारी में हमारा आंसर नहीं आया, जो कि हमारे को मुझे तो उम्मीद थी, क्योंकि हमारी जो है ऊपर एक जो वैल्यू है एक्सपेंस की छूट रही है, क्योंकि मैं जो बॉक्सेस बनाता हूँ बिल्कुल हिसाब के बनाता हूँ जो हमारे सवाल में यूज़ होने वाले हैं, तो ये एक छूट गया, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा ये देखने के लिए। स्टॉक हमारे पास था, रिटर्न परचेज, सैलरीज एंड वेजेस, वेयर हाउस का रेंट था, इंश्योरेंस था, मोटर एक्सपेंसेस था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सपेंस हमारे पास गिवन थे, जो कि मैंने 7 के 7 लिख दिए थे। डेब्टर्स की वैल्यू लिख दी थी, क्रेडिटर्स की वैल्यू मैंने लिख दी थी। तो जी मुझे इसमें एरर मिल गया है, मैंने आप लोग को अभी कॉन्सेप्ट बताया कैरेज आउटवर्ड्स का, और मैं कैरेज आउटवर्ड्स का ही लिखना भूल गया इसमें क्योंकि वो सारे एक्सपेंसेस में पढ़ रहा था, तो मुझे वो नीचे नज़र नहीं आया। हालांकि सबसे दूसरे नंबर पर कैरेज आउटवर्ड्स लिखा हुआ है, तो मैंने जो आपको कैरेज आउटवर्ड्स का बताया था वो एक्सपेंसेस में लिखा जाता है, वही मैं लिखना भूल गया हूँ। तो मैं यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड्स लिख देता हूँ। मैं मुझे लग रहा था कि पहली बारी में बहुत कम होता है कि हमारा आंसर सही आ जाए। 2,100 हमारा एक कैरेज इन्वर्ट। अब हमारी जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 1,21,303, जो कि हमारे को नीचे भी करेक्ट करनी पड़ेगी, 1,21,303 ये थी आई गेस जी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं किसी एक गलती की वजह से जो है मैं, बल्कि भूल की वजह से आंसर हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो अब आपका बैलेंस शीट देखें बिल्कुल बराबर आ गई है, 1,99,746 दोनों साइड पे एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। इससे पता चलता है कि हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है, हमने बिल्कुल सही किया है, और जो है हमारा बिजनेस भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये होपफुली आपको सवाल समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा सवाल दिखा देता हूँ, ये सवाल था हमारा जिसको हमने सॉल्व किया है ओवरव्यू, और ये इसका बैलेंस यानी कि इनकम स्टेटमेंट थी, जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों मर्ज किया हुआ है। अगर आपसे ट्रेडिंग अकाउंट पूछा जाए तो आप ग्रॉस प्रॉफिट तक सॉल्व करेंगे, अगर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा गया है तो आप पूरा बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकलता है उसमें, और उसके बाद आपके पास ये बैलेंस शीट बनी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 9.4A, जो कि बेसिकली मेरे ख्याल से इसी टाइप का सवाल है, उसके बाद काफ़ी लंबे क्वेश्चन है 9.5 वगैरह, उसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।